थोड़ा लेट हो गया बट बैडमिंटन खेलने के लिए फर्स्ट टाइम एज अ प्रोफेशनल बैडमिंटन कोर्ट में खेलने वाला हूँ। सो हम सारे लोग, ये जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे लोग हम लोग जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। और ये भाई गुज्जू भाई अपने एक्साइटेड दिख रहे बहुत। एक्साइटेड है कि नहीं भाई तू? नहीं इतना नहीं, इतना नहीं है तो मेरे जैसी नहीं। रूल वगैरह नहीं पता होगा ना? खेला रूल्स रूल्स हाँ थोड़े बहुत पता है, थोड़े बहुत पता है, थोड़ा बहुत सिखा दियो हमको भी। हमको तो कुछ भी नहीं आता, मतलब खेला है। इन कैसा वो नुक्कड़ में खेलते ना, जैसे गली क्रिकेट खेलते, तो गली बैडमिंटन खेला है। और बीच में ऐसा रस्सी बांधो और फिर नॉर्मल रूल्स, जो एक्शन आउट, हाफ एक्शन आउट वगैरह वाला। आई होप तो आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा ये सब। नाली में पेनल्टी है ना? नाली में पेनल्टी, नाली में पेनल्टी वाला नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब तीनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। शटल को क्रॉस करना होता है, शटल को क्रॉस। हाँ मतलब नेट नहीं था हमारे पास, रस्सी था, हम लो बजट में खेल रहे थे। तो ये टर्फ का नाम है कोलुलू टर्फ। हमारे भाई लोग सब चल रहे हैं यहाँ पे, पहली बार ऐसा प्रोफेशनल बैडमिंटन खेलेंगे। आई होप ठीक ठाक खेल लूँ, मैं नहीं खेला तो भी क्या फर्क पड़ता है डूड। ये अच्छा सिस्टम है बिजनेस का, सब खेलने आते, खेलने का भी पैसा। पहले के टाइम में ये सब चीज़ का हम लोग को पैसा नहीं देना पड़ता था, तो ये है टाइम चेंजेस, एवरीथिंग विल बी कैपिटलाइज। जो करना है हगना मुतना उसका भी पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में। बैडमिंटन के शूज़ अलग होते हैं, तो यहाँ से हम लोग को रेंट करना होता है 50 रुपीज़ एन आवर। तो रेंटल शूज़ है, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं खेलने के लिए बैडमिंटन। हाय निविन। तो इतना खेल के यार हालत ख़राब हो गई है, स्वेटिंग फुल है, डम ऑन है, स्वेटिंग है, फिर भी अपन खेलेंगे। आई स्टिल रिमेंबर के टेबल टेनिस खेलते थे हम लोग, फुल स्वेटिंग होता था फिर भी हम लोग कंटिन्यू खेलते थे, एग्जाम के टाइम पे हो गई। आई स्टिल रिमेंबर दैट पॉइंट, कितना अमेजिंग। मतलब हम लोग ने नेक्स्ट डे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स थे और फिर भी हम लोग ने तकरीबन 5 घंटा खेला बोर्ड्स के एग्ज़ाम के एक दिन पहले, फिर भी 86% आया। सो रिग्रेट तो होगा ही नहीं ना, फॉर श्योर। आने के टाइम साला इतना गंदा वाला धूप था, काले काले बादल और बारिश शुरू होने वाली है भाई यहाँ पे अभी।